दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिर मैं जिस तरह स्टेटस को देखा, इस तरह स्टेटस आप बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें। और जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग बहुत ही ट्रेंडिंग में है दोस्तों। तो दोस्तों ये स्टेटस को बनाने के वीडियो को पूरा देखिए, एकदम आसान है इस स्टेटस को बनाना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा देखिए कमेंट भी कर लीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो यूज करने वाला हूँ सभी फोटो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सब चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया, तो आप भी लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और लाइट मोशन में आने के बाद प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना, और जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं और अगर नहीं जानते तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिटमार्क को कैसे डाउनलोड करना उस वीडियो को देख लेना, तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करना। सबसे पहले देखो ये सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आपको आना होगा। तो इस प्रोजेक्ट में आने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो ये सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट में आपको बहुत बीट देखने को मिलेगा। देख सकते हो तो ये जो बीट है, ये बीट में मैं लिरिक्स को बनाया हूँ, तो आपको ये बीट में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है बीट को। और सबसे पहले देखो ये जो ग्रुप लेयर है, ये ग्रुप लेयर में आपको फोटो ऐड करना होगा जिस फोटो का वीडियो बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर जितने सारे लेयर है, ये लेयर को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। खाली देखो यहाँ पर मेरा नाम का जो लेयर है, ये लेयर को आप मतलब ये जो नाम है, ये नाम को चेंज कर लेना, आपको अपना चैनल नाम दे देना। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो जिस फोटो का वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को आपको टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आना होगा, और जिस फोटो का वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ, तो आप एक फोटो ऐड कर लेना। और फोटो को ऐड करने के बाद मूव वाला ऑप्शन में आना होगा, जूम ऑप्शन से आके ऐसा करके फोटो को एडजस्ट कर लेना, और एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट में आना होगा, ये ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो फोटो का जो लेयर एकदम लास्ट में आ चुका है। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा, और ये जो सॉन्ग है उसके ऊपर रख देना। तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो नीचे कुछ इस तरह शैडो देखने को मिल जाएगा। और आपको क्या करना होगा, देखो फिर से ये फोटो को दोबारा ऐड करना होगा। तो दोबारा ऐड करने के लिए देखो ग्रुप एंड मास लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना, और इधर आने के बाद दोस्तों ये फोटो को फिर से ये ग्रुप के अंदर ऐड करना होगा। तो फोटो ऐड करने के लिए फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना होगा, और ये फोटो को फिर से ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो जूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और ऐसे करके फोटो को सॉरी सबसे पहले इसको नीचे कर लेना, राउंड रेक्टेंगल के नीचे कर लेना। नीचे करने के बाद दोस्तों ये फोटो को ठीक से एडिट कर लेना, ऐसे करके ठीक से एडिट कर लेना, देखो ठीक से। और एडिट करना हो जाने के बाद एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट में आपको आना होगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो फोटो कुछ इस तरह हमारा एडिट हो चुका है। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, ये ग्रुप से बाहर हो जाना, और ये ग्रुप से बाहर हो जाने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह आपको हमारा जो फोटो है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह मैं एडिट करके रखा हूँ, देख सकते हो। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर बैकग्राउंड मतलब पीछे जो फोटो है, ये फोटो में इफेक्ट देना होगा। तो ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, एड इफेक्ट में आना होगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको गॉसियन ब्लू ब्लर जो इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। नहीं तो ये जो देखो ब्लर जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को टच करना होगा, और इधर से गॉसियन ब्लर को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों ये जो साइज है देखो स्ट्रेंथ अपने हिसाब से रख लेना, और कुछ भी छेड़खानी नहीं करना। तो देख सकते हो बैकग्राउंड में जो फोटो है वो हमारा ब्लर हो चुका है। तो अब क्या करना होगा, देखो ये जो ग्रुप के अंदर जो फोटो है, ये फोटो में इफेक्ट देंगे। तो ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए दोस्तों बैक हो जाना, और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आना होगा, फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, फिलोट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना। और जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है इसमें फिर से आपको आना होगा, तो इसमें आ जाना। इसमें आने के बाद दोस्तों ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना, और देखो यहाँ पर ग्रुप के अंदर जो फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, फिलोट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये ग्रुप से फिर से बाहर हो जाना। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर बैकग्राउंड में जो मतलब ग्रुप के बाहर जो फोटो है, ये फोटो में
व्यूपॉइंट को फिर से देना होगा तो फोटो लेयर को टच करना, एक ऑप्शन में आना होगा फिल्ट को टच करके पेस्ट पर कर देना। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपको हटाना होगा, देखो ये वाला यहाँ पर जो एक्सपोजर जो गमा है ये पेट को बंद कर देना, नहीं तो इधर से हट देना। तो कुछ इस तरह आपको फर्क देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो फोटो में। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो हमारे जो लिरिक्स है वो ऐड करना होगा, तो आपको लिरिक्स लिखना नहीं होगा, जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। तो इसमें आने वाला दोस्तों यहाँ पर आपको लिरिक्स देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो मैं सभी लिरिक्स को यहाँ पर टेस्ट करके रखा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना होगा और इधर से ऑल सिलेक्ट कर लेना, ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो को अनसिलेक्ट कर देना और यहाँ पर जितने सारे लेयर है सभी लेयर को ऐसे करके कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद दोस्तों बैक हो जाना और जो सॉन्ग बीट मेरा प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। इसमें आने के बाद एकदम फास्ट में आपको रहना है, फास्ट बीट में, और फास्ट बीट में रहने के बाद दोस्तों यहाँ पर सारे लेयर को पेस्ट कर देना। देखो यहाँ से 47 लेयर को पेस्ट कर देना। तो पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह आपको देख सकते हो यहाँ पर लिरिक्स देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पर जो फोन्ट है ये फोन्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और मटेरियल लिंक में, उधर से डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना, सॉरी एलाइट मोशन में इनपुट कर लेना। और इनपुट करने के बाद दोस्तों जो लेयर है ये लेयर में ऐड कर लेना। तो फोन को ऐड करने के बाद कुछ इस तरह आपको फोन देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरह लिरिक्स है। तो यहाँ पर जितने सारे लेयर है ये लेयर को कुछ भी छिड़काई नहीं करना आपको। तो अब क्या करना होगा, फिर से फास्ट में आना होगा और प्लस ऑप्शन को टच करना, डबल टेक्स्ट में आ जाना और इधर से तीन इमोजी को ऐड कर लेना। तो अपने पसंद की तीन इमोजी ऐड कर लेना यहाँ पर। तो मैं देखो यहाँ पर तीन इमोजी ऐड कर लिया हूँ, तो अभी तीन इमोजी ऐड कर लेना अपनी पसंद की। और ये वाला ऑप्शन को एक बार टच करना होगा और जो बॉक्स यहाँ पर टच करना, मिडिल में जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना, दो बट्टी को ऑप्शन को टिक करना। यहाँ पर जो मूव ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, रोटेट ऑप्शन में टच करना होगा और ऐसा करके 90 डिग्री रोटेट कर लेना। फास्ट में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और ऐसा करके देखो यहाँ पर नीचे इसको यहाँ पर सेट करना होगा। देखो यहाँ पर रख लेना ऐसा करके, और रखने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आपको आना होगा, जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर लेना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो चुका। तो दोस्तों ऐसा करके आप स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए हो ऊपर में जो शेयर ऑप्शन है पर टच करना और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।